हेलो, आज हम एक चार्जिंग टॉर्च रिपेयर करेंगे। कस्टमर का कहना है जो चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। हम शीश टेस्ट लैंप से एक बार देखेंगे तो चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए इधर फ्लाशिंग हो रहा है कि इंडिकेट नहीं कर रहा है। चलो हम खोल के देखेंगे इसको। दो स्क्रू है, ये खोलने से खुल जाएगा टॉर्च। फटक से खोल लेते हैं। सामने का जो ग्लास है उसको भी खोलना पड़ेगा, वो भी खोल लेते हैं। छोटा वाला एक सर्किट रहता उसको खोल के हम देखेंगे। ये पीएफ सर्किट है, ठीक है। एक पीएफ एक कैपेसिटर चार्ज डायोड देके बना रहता। देखिए फ्रेंड्स, इधर एक रेजिस्टेंस काला हो गया, जल गया। देखो डायोड का ब्रिज डायोड का बगल में ठीक ये रेजिस्टेंस जल गया, और कैपेसिटर का जो लेग है वो भी डीसोल्डर हो गया। कैपेसिटर लेग को भी सोल्ड करना पड़ेगा, डिसोल्ड हो गया, ठीक है। और जो 5mm एलईडी है वो भी ख़राब हो गया, उसको भी हम चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस शॉर्ट होने से एलईडी फ्यूज हो जाता। मेरे पास 5mm एलईडी नहीं है तो हम 3mm एलईडी लगाएंगे। इस काम तो एक ही करेगा, इंडिकेट करेगा। लगा के अच्छे से सोल्डर कर देंगे हम। और एक्स्ट्रा लेग को हम कटर से मदद से काट देंगे। उसके बाद जो कैपेसिटर का लेग हो उसको भी हम अच्छे से सोल्डर कर देंगे। क्या है, वो लूज होने से ये एलईडी फिर से फूट जाएगा और चार्जिंग भी नहीं करेगा। डॉपर सर्किट है ना, हाई वोल्टेज चला जाएंगे। और हम एक वो रेजिस्टेंस एसएमडी रेजिस्टेंस के बदले में हम 1K का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस को भी हम लगा दिया। इसको लेग एक्स्ट्रा लेग को भी हम कटर से मदद से काट देंगे। एक बार चेक कर लेंगे शीश लैंप के मदद से। देखो फ्रेंड्स, ठीक हो गया, इंडिकेट कर रहा है। आप बॉडी में फिट कर देंगे, जैसा था ऐसे ही फिट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक कर देंगे और एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नया नया वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। दो स्क्रू लगा देंगे। लगा कि एक बार और भी चेक कर लेंगे हम। फ्रेंड्स टॉर्च तो जल रहा है, चार्जिंग हो रहा है कि देखेंगे एक बार। और कोई भी चीज़ लगाने के पहले भी एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा है, तो लगाने के टाइम कुछ और बार टूट गया तो। चलो फ्रेंड्स, आते हैं, गुड बाय।